हिना खान को मिला है एक अवार्ड, किस चीज के लिए है ये अवार्ड, क्या कैरेक्टर निभाया था उन्होंने इस अवार्ड को जीतने के लिए, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। हिना खान नजर आई थी वेब सीरीज डैमेज 2 में, वो भी एक नेगेटिव किरदार में। उसी नेगेटिव किरदार को निभाने के लिए हिना खान को मिला है बेस्ट परफॉर्मर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड, और उस चीज को, उस अवार्ड को जो है फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं हिना खान अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में। उन्होंने टीम डैमेज 2 के सभी लोगों को थैंक यू बोलते हुए अधिरेन सुमन को भी टैग किया है, जो कि इसी वेब सीरीज का हिस्सा थे, और इसी वेब सीरीज में हिना खान निभा रही थी एक नेगेटिव किरदार। हिना खान को नेगेटिव शेड्स में हम लोगों ने तब से देखा है जब से वो कसौटी जिंदगी की में कमौलिका का किरदार निभा रही थी। हिना खान हर तरह के रोल्स कर चुकी है, जहां एक तरफ अक्षरा का किरदार निभा के 8 साल तक लीड भूमिका निभा के ये रिश्ता क्या कहलाता है को सुपरहिट करवाती रही हैं, तो उसके बाद बिग बॉस सीजन 11 में उन्होंने एज हिना खान खुद को एस्टैब्लिश किया था। उसके अलावा खतरों के खिलाड़ी में रनर अप बनकर उन्होंने बता दिया था कि वो खतरों से भी नहीं डरती हैं, और नेगेटिव किरदार निभाकर कसौटी जिंदगी के में ये भी बता दिया था कि शी इज सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मर, सच अ वर्सेटाइल परफॉर्मर, कि उनको बस कैरेक्टर दीजिए, निभाना उनको आता है। ऐसे ही डैमेज 2 में उनकी एक्टिंग के लिए मिला है उनको ये अवार्ड, तो वी विल से दैट शी इज डिजर्विंग फॉर दिस अवार्ड, और ये अवार्ड हिना खान से ज्यादा कोई और डिजर्व कर ही नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे डैमेज 2 के लिए मिले हिना खान को इस अवार्ड के लिए, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।